क्या होगा जब मोटिवेशन का पाठ पढ़ाने वाले खुद आपस में लड़ने लगे? क्या होगा जो लोग सिखाते थे कि बुरी परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलना है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, वो खुद सिचुएशन क्रिएट कर दें? एक मिनट, ये सिचुएशन बना है या फिर क्रिएट किया गया है? सोचने वाली बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और वी कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया, दैट इज SM सर। एंड दूसरे पक्ष में जो हमारे हैं वो हैं इंदिरा सर, वो भी द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल चैनल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल चैनल है ऐसा क्लेम किया जाता है। तो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ बातें हुई हैं, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक के बहुत बड़े फैन हो तब तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे के पूरे महाभारत का अगर कोई सबसे बड़ा मोहरा है तो वो आप हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक को बहुत ही कल्ट तरीके से फॉलो करते हो, आंख बंद करके इन पर विश्वास करते हो, जो भी ये बोलते हैं वो आप मानते हो, अपने लाइफ में उतारते हो, और अगर इनको आप अपना रोल मॉडल या फिर कह सकते हो अगर आप इनको अपना भगवान मान रहे हो, तब तो ये वीडियो आपको नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत सारे बिलीफ टूटने वाले हैं। शायद 4 साल 5 साल 8 साल से जो आपने बिलीफ सिस्टम बना के रखा है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो अगर आप ये वीडियो आगे देख रहे हैं तो मेरे दोस्त, वॉच एट योर ओन रिस्क। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंदिरा सर पर कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं, हालांकि उन्होंने अपने जुबान से नाम नहीं लिया है किसी का, और ये बहुत स्मार्ट प्ले है, ये सबको समझ में आता है कि किसके बारे में बात हो रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कट टू कट बात करेंगे, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, लेकिन जितने भी इस वीडियो में बात करेंगे एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिगेशंस के बारे में कि क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं इंदिरा सर के ऊपर SM सर द्वारा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले ये है कि 50,000 रुपये का जो कोर्स है, क्या वो फ्रॉड किया जा रहा है? क्या उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो एक MLM स्कीम है? 90% लोग जो ये कोर्स ले चुके हैं, क्या वो सारे के सारे लोग आज पछता रहे हैं? क्या जो बंदा खुद अपना बिजनेस नहीं करता वो दूसरों को सिखा सकता है कि बिजनेस कैसे करते हैं? तो ये सारी चीजें, एलिगेशंस लगाई गई हैं SM सर द्वारा उस वीडियो के थ्रू, जो कि 10-12 मिनट का वीडियो है, और बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को पकड़ा गया है। मेरे दोस्त, चिंता मत करिए, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, ये सारा का सारा चीज एक ड्रामा था, ये सारी की सारी चीजें प्लान्ड थी। कैसे, क्यों? आप कुछ भी कमेंट करने से पहले या फिर एक ओपिनियन बनाने से पहले, इस वीडियो में कुछ भी कमेंट करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद आपका जो मर्जी करे वो कमेंट करना। मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके ओपिनियंस का, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं कि क्रिटिसाइज करने पर मैं डर जाऊं या फिर मैं भड़क जाऊं। अगर आपके पास माइंड है तो पूरा माइंड खोल के आगे की बातें सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैंने कहा था पहले, आपके बिलीफ सिस्टम को हिला के रख सकती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, एक्टिंग लाइक एन इनोसेंट। आप ध्यान से देखो इस वीडियो, आप अगर देख चुके हो फिर जाओ फिर से देखो, आपको नहीं लगता ये इनोसेंट की तरह एक्ट कर रहे थे? SM सर इनोसेंट की तरह एक्ट कर रहे थे ना? ऐसे किसी वीडियो में वो बात नहीं करते। इंटेंशनली एक एक चीज प्लान किया गया था, इंटेंशनली उस चीजों को रिपीट रिपीट में पूछा जा रहा है। जब वो ऑडियंस एक बार बोल चुका है उस चीज को, वो चीज को रिपीट किया जा रहा है ताकि वो चीज और ज्यादा ग्लोरीफाई हो। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या ये प्लान्ड वीडियो था? हाँ, ये प्लान्ड वीडियो था। मैं क्लेम कर सकता हूँ 99.99% ये प्लान्ड वीडियो था। ये ऐसा कुछ नहीं था कि SM सर का एक शो लगा था, एक शूट था, बच्चे आए और फिर टॉपिक में ये टॉपिक छिड़ा और फिर इतना बड़ा मुद्दा बन गया। अगर ऐसा होता तो ये चीजें नॉर्मल थी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये प्लान्ड था। सबसे पहली बात वही, जो पहला पॉइंट, एक्टिंग लाइक एन इनोसेंट। दूसरी बात जो है, आप वीडियो का थंबनेल देखिए, अगर वो अनप्लान्ड होता तो वीडियो के थंबनेल में इस तरीके से थंबनेल नहीं बनाया जाता कि किसी एक पर्सन को टारगेट करके वो थंबनेल बनाया गया है। और ये वीडियो कैसे प्लान्ड है, अभी आने वाले पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो 50,000 इनकम था या फिर जो 500 करोड़ की बात हो रही है, वो सारी की सारी चीजें जानबूझकर की जा रही हैं। कोई इतना बेवकूफ नहीं कि कैलकुलेशन ना कर पाए। आपको ऑन कैमरा कैलकुलेट करके बताने की क्या जरूरत थी? अगर आप इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो वो 500 करोड़ का नंबर आप दिखाना चाह रहे थे लोगों को। एंड एट द एंड आपने प्रोवोक भी किया कि इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ किसी को लगता है कि ये गलत है तो वो अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को बोल सकता है कि भाई अपने साथ गलत मत होने दो, इसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो। लेकिन क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था कि यहाँ तक लेकर आया जाए? अब आने वाले पॉइंट्स में इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं SM सर से,
और अगर आप इस चीज का जवाब सही सही देते हैं या फिर आप खुद उनकी जगह पे रख कर सोचिए कि आप होंगे तो, या फिर परिस्थिति को देख के आप बताइए कि आप क्या जवाब देंगे इन मेरे सवालों का। और ये जो कुछ सवाल हैं ये ऐसे हैं कि सारा का सारा डाउट, सारा का सारा मसला जो अभी पिछले पॉइंट्स में मैंने कहा कि ये प्लान वीडियो था या फिर नहीं था, ये एलिगेशंस है या फिर सच्चाई है, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि उठाने लायक था या फिर नहीं था, सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या SM सर को ये बात नहीं पता थी कि ऐसे ऐसे कोर्स होता है, ऐसे ऐसे बेचा जाता है, वो कितने रुपए में बेचा जाता है, उसके साथ क्या होता है, क्या डिटेल में इस कोर्स के बारे में या फिर इस पूरे के पूरे फनल के बारे में SM सर को नहीं पता था? दो आंसर हो सकते हैं, या तो पता था या तो नहीं पता था, या तो पार्शियली पता था, तो ये कोई बात नहीं, राइट। सो पहले पॉइंट पे बात करते हैं, अगर पता था कि उनका कोर्स ये है, ऐसे ऐसे होता है, तब तो ये सारा मुद्दा उठाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि आपको पहले से ही पता था। दूसरा आंसर है नहीं पता था, तो अगर आपको नहीं पता था कि ऐसा ऐसा चीज हो रहा है तो आप एक बात बताइए कि कुछ ही दिन पहले उस शो में, आपके शो में, SM शो में वो गए थे, आप लोगों ने बहुत ही प्यार से बात किया, अच्छे से ऑडियंस को केटर किया, सारी चीजें किया, और उससे भी थोड़ा सा पहले जाइए तो आपने कहा था कि हम अपने शो में जिसको भी बुलाते हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ में बुलाते हैं, ऐसे ही नहीं किसी को बुला लेते। और जिसको मैं जानता हूँ जो वहाँ पर गए भी हैं, उन्होंने भी कहा है प्रॉपर टीम होती है, कॉल वेरिफिकेशन होता है, अपने बारे में बताया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका रिसर्च इतना कमज़ोर था कि आपको ये भी नहीं पता चला कि जो आपके शो पे आ रहा है वो कर क्या रहा है, वो अपने करियर वाइज क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा बना रहा है, आपको ये सब नहीं पता? तो ये एक्ट करना प्लीज़ बंद कर दीजिए। मैं कोई नहीं होता ये बोलने वाला, लेकिन ये जनता के भावनाओं से खेला जा रहा है। मैंने कहा ना, इस महाभारत के सबसे बड़े मोहरे आप हो, आपको प्रवोक किया जा रहा है किसी पर्सन के खिलाफ, किसी का सपोर्ट या वो नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कट टू कट बात कर रहा हूं। तो ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल पे आते हैं, पहला सवाल जो था ना यहीं से चेक एंड मेट हो गया कि अगर पता था तो इसका पॉइंट नहीं बनता था, और नहीं पता था इसका मतलब आपकी रिसर्च टीम इतनी खराब थी कि आपको ये भी नहीं पता चला सामने वाला करता क्या है। और दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये प्लान था, मैं इसको क्वेश्चन की तरह पूछ रहा हूँ, तो हाँ इसका आंसर है ये प्लान था, क्योंकि ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके थंबनेल देख लीजिए, इसमें ना इंट्रो है ना आउट्रो है, एक नॉर्मल SM सर की जो वीडियो शुरू होती है उस वाले फॉर्मेट की, ये बिल्कुल भी फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा था। इंट्रो नहीं हुआ, डायरेक्ट कट टू क्वेश्चन पे आ गए, वीडियो शुरू होते ही क्वेश्चन, राइट, किसी और का क्वेश्चन तो नहीं लिया गया, तो ये वीडियो बनाया गया ही था उसी के लिए, ये पहले से ही प्लान था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तो अब आपको सारा खेल पता चल चुका है। सबसे पहली चीज, किसके किसके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। दूसरी चीज, क्या ये अचानक से हुआ है या जानबूझ के हुआ है, ये जानबूझ के किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इस पे जानबूझ के बात किया जाए। जी नहीं, इससे भी बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं। मैं इसको फ्रॉड नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, मैं दो सिचुएशन लेता हूँ। एक बंदा है जो एक काम कर रहा है, जो दूसरों को मोटिवेट कर रहा है, और वो किसी से पैसे नहीं ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे कहीं और से आ रहे हैं भाई, ये उसका पैसन है, वो इंसान वो कर रहे हैं, राइट। एक्स बंदे का ये पैसन है, वो अपने पैसन के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन उनके अर्निंग सोर्स कुछ और हैं। ये हैम्पर हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर वो हैम्पर हो जाए तो फर्क पड़ता है, जिसका सबूत भी लॉकडाउन में आपको पता चला था कि उन्होंने पोस्ट डाला था कि वो डिप्रेशन में है, ये वो सारी चीज, तब नहीं, अब बताया जा रहा है। चलो ठीक है, पता लग गया। अब बात करते हैं इधर दूसरे पक्षी इंदिरा सर के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष के इंदिरा सर की, कि जो वो कर रहे हैं वो कोई गाली देके इतने फॉलोअर्स नहीं बनाए, जो 2 करोड़ की जनता वो बना रहे हैं वो सिखा के बनाए हैं। वो 2 करोड़ लोग पागल नहीं है जो उनको कल्ट की तरफ फॉलो किए जा रहे हैं। और अगर वो ऐसे हैं तो क्या वो 2 करोड़ के 2 करोड़ पागल हैं? उनमें आप भी बिलोंग करते हो, हम भी बिलोंग करते हैं, राइट। तो वो भी बेवकूफ नहीं है, फर्क बस इतना है कि इस बंदे का वो धंधा है, उसका रोटी पानी चल रहा है इस चीज से। तो किसी भी चीज से पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है। आप अपने आप को उस जगह रख के देखो, अगर वो आपका बिजनेस होता, बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो आपका बिजनेस होता, आप इतना अच्छा पैसा बना रहे होते, पैसा बनाने के लिए कौन क्या नहीं करता। एक किराने वाला झूठ बोलता है भाई, धंधा है, बिजनेस है, इसको इमोशनली मत लो आप, ये सिंपल सी बात है। तो जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम मत करिए सर। आप दोनों लोगों को इंस्पिरेशन है, आप दोनों को लोग रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन आप दोनों ऐसा करेंगे ऐसा कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था, वो भी इतनी बचकानी हरकत में जो SM सर ने किया है, मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता।
ये डायरेक्ट बात करिए ना फिर, ये इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे नाक पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नाक पकड़ लीजिए अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है तो। ऐसे एक बच्चे के कंधे पर बंदूक रख के आपने जो ये वीडियो बनाया है, ये कहीं से भी एथिकल नहीं है, राइट। और बात करते हैं इनका, अब बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो धंधा है उनका, इसीलिए वो पैसे लेंगे क्योंकि वो कहीं और से नहीं यहीं से कमा रहे हैं, और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। अब बात करते हैं क्या इतना बड़ा मुद्दा था, नहीं इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। अगर आप जिसको फ्रॉड का डेफिनेशन, आपने एक डेफिनेशन दिया ना कि ये फ्रॉड है, तो फ्रॉड का जो डेफिनेशन आपने दिया, इस हिसाब से जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, 90% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फ्रॉड के उसमें आ जाएंगी कैटेगरी में आपके हिसाब से। आप सब पे प्रोवोक करिए, सब पे लीगल एक्शन लगवाइए। क्या 10 लाख बच्चे दे के जो बीटेक कर रहे हैं वो कोर्स वर्थ इट है? नहीं है। वो अपना रिफंड करवा सकते हैं? करवा के दिखा दीजिए। आप नहीं करवा सकते। अब और आप कमेंट करके बताइए, क्या आपके कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि ये वर्थ इट नहीं है जितना पैसा मैंने लगाया? आपको पता था लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी मर्जी से वहां पर गए हैं। तो अगर वो 50,000 का कोर्स लेके कोई फंस रहा है ना, तो उस बंदे की बेवकूफी है। यहां कांटा रखा हुआ है, वो वही सिचुएशन है, आबैल मुझे मार, तो कोई क्या कर सकता है? तो आप कॉलेज से पैसे रिफंड नहीं ले सकते ना, वही सिचुएशन है। और ये करोड़ों में अगर हो रहा है ना, 500 करोड़, वो अरबों में हो रहा है और पता नहीं कितने सालों से हो रहा है। आप नहीं थे तब भी हो रहा था, आप हैं तब भी हो रहा है, और आने वाले टाइम में होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ इतना नहीं, वहां भी MLM स्कीम चलता है। जो यूनिवर्सिटीज होती है वो बच्चों को कमीशन देती है कि और बच्चों को लेकर आओ। बहुत सारे ऐसे बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में ऐसे यूनिवर्सिटीज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ रेफरल पे चलती हैं। उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर किसी बच्चे को लाते हैं, उसका हाफ स्कॉलरशिप मिल जाता है, आधा फीस माफ। ये स्कैम के बारे में क्या आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। एक बंदे को टारगेट करना आपको आता है और आपने कर दिया, और ये चीज किया क्यों? अब इस पर बात कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट। ये किया क्यों जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको आदत हो गई है 2 साल से खबरों में बने रहने की। मेरे भाई, श्वेताब का कांड हुआ, राइट, फिर प्रखर का कांड हुआ, तब तक बहुत हाइप बना हुआ था SMSM, उसके बाद भी जो कांड हुआ, कांड क्या कह सकते हैं, ये भी प्लानिंग थी कि सारे यूट्यूबर्स को कोलैबोरेट करके करते हैं ताकि उनके चैनल का जो वर्थ है जो वैल्यू है बढ़ सके, वो बढ़ा भी। पहले ये था कि हम एजुकेशनल क्रिएटर को बुलाएंगे, फिर सबको बुलाने लगे, कैरी मिनाटे को बुलाया गया, वो कैरी मिनाटे बहुत अच्छा था। अगर आप किसी बंदे को अपने चैनल पर लाते हैं, इसका मतलब आप उसको दिखा के अपने ऑडियंस को इंस्पायर करना चाह रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं हुआ, आपका उससे भी प्रॉब्लम हो गया। वो सबको गाली दे तो आपको चलेगा, आपके ऑडियंस को वहाँ पे आपके कैरेक्टर में घुस के वो गाली दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। इतने सेंसिटिव मत बनिए, एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट, ये जानबूझ के किया, ये कितना लंबा जाएगा मुझे नहीं पता, बट ये मेरा एक ओपिनियन था। आप कमेंट करें, अब आप कमेंट करके बताओ कि जो भी मैंने बात करी उस बात में कितनी सच्चाई थी, कितना पॉइंट था, कौन सी बात मैंने गलत करी। देखो, मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही उनके जितना मुझे नॉलेज है और ना ही उतना मैं जानता हूँ, बट जितना भी मैं जानता हूँ, जितनी भी मैंने अपने से पढ़ाई लिखाई करी है, उस कॉमन सेंस, ये कोई मैंने बहुत दिमाग नहीं लगाया, ये कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। और अब जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अब आप लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। अब लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और इसके बाद भी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम उन्हीं के अंधभक्त हैं, तो भाई जाओ कुएं में कूदो, हम क्या कर सकते हैं। एक कोटेशन है आपके लिए, आबैल मुझे मार। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अगर आपने देखा, अब आगे आपकी मर्जी है। बाय बाय।